यामा कंपनी बहुत ही जल्द अपनी ऑल न्यू MT125 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है। यामा के पास कोई भी 125 सीसी बाइक की ऑप्शन नहीं है फिलहाल, लेकिन 125 सीसी मार्केट में जल्द अपनी MT15 के अफोर्डेबल बाइक MT125 को लॉन्च करने वाली है इंडिया में। अब जब से यामा ने MT15 में अपडेट करा है, तब से MT15 का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया है एंड यामा अब MT125 को कम प्राइस पे लॉन्च करेगा। एंड ये बाइक का टारगेट बायर होगा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड यंग बायर, जो कि MT15 को परचेज करने का सोच रहे हैं लेकिन हाई प्राइस के कारण उसे परचेज नहीं कर पा रहे, जिसको देखते हुए अब आपको MT सीरीज़ के सबसे स्मॉलेस्ट बाइक MT125 का लॉन्च देखने को मिलेगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। सो आज के रिव्यू में डिटेल में बात करेंगे ऑल न्यू अपकमिंग यामा MT125 के लॉन्च अपडेट्स के बारे में, प्राइस इस बाइक का कितना रखा जाएगा एंड इसमें आपको कितने फीचर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को एंड बात करते हैं न्यू MT125 के लॉन्च अपडेट्स के बारे में। आप अगर हम लॉन्च की बात करेंगे तो लॉन्च आपको MT125 का बहुत ही जल्द अब देखने को मिलेगा। देखने में MT125 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम MT15 जैसा होगा, लेकिन फीचर थोड़े से कम एडवांस होंगे MT15 से, मगर प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल रखा जाएगा एंड दूसरा माइलेज इसमें आपको ज़्यादा मिलेगी। सो फ्रंट सेक्शन में आपको अग्रेसिव स्टाइल में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलेगा। सीट इसमें आपको कॉम्पैक्ट कंफर्टेबल सीट मिलेगी। मीटर कंसोल स्क्वायर डिज़ाइन में होगा। फ्यूल टैंक स्लीक होगा देखने में। हैंडल बार काफ़ी वाइड एंड ब्रॉड होंगे इजी हैंडलिंग के साथ। सीट हाइट इस बाइक की हाई रखी जाएगी अप्रॉक्सीमेट 810 mm तक। दोनों व्हील में आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिलेगी ABS के साथ। व्हील साइज होगा 17 इंचीज का एंड टायर साइज फ्रंट में होगा 100/80 सेक्शन टायर एंड रियर टायर साइज होगा 140/70 सेक्शन टायर। सस्पेंशन फ्रंट में मिलेगा टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन एंड रियर सस्पेंशन होगा मोनोशॉक। सो बात कर लेते हैं ऑल न्यू यामा MT125 के इंजन एंड स्पेसिफिकेशन के बारे। इंजन इस बाइक में मिलेगा ऑल न्यू 125cc लीकेट कूल फोर स्ट्रोक BS6 कंप्लायंट इंजन, जिसमें आपको ओवरऑल पावर मिलेगी 14.7 PS की मैक्सिमम पावर। टॉर्क ये बाइक जनरेट करेगा 11.5 Nm ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। नंबर ऑफ गियर होंगे 6-speed ट्रांसमिशन के साथ। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होगी 11 लीटर की, जिसमें आपको माइलेज मिलेगी 50 की। परफॉर्मेंस ये बाइक जनरेट करेगा 120 की हाईएस्ट स्पीड। यामा MT125 की अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो इस बाइक में आपको सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ ट्विन LED DRL भी मिलेगा। फ्रंट में होगा सिंगल चैनल ABS एंड इसमें आपको स्लिपर एंड सिस क्लच के साथ फुली डिजिटल मीटर कंसोल भी ऑफर किया जाएगा। सो फीचर इस बाइक में आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलेंगे 125cc बाइक के हिसाब से। सो अब बात करते हैं ऑल न्यू अपकमिंग यामा MT125 के प्राइसिंग के बारे। सो प्राइस इस बाइक का होगा 130,000 तक। ये बाइक एक प्रीमियम सेगमेंट का बाइक होगा, सो प्राइस इसका थोड़ा सा प्रीमियम रखा जाएगा, लेकिन ये बाइक पूरा अपने प्राइस को जस्टिफाई करेगा। एंड अब बात करते हैं ऑल न्यू अपकमिंग यामा MT125 के लॉन्च के बारे। लॉन्च आपको देखने को मिलेगा इस ईयर के एंडिंग तक इंडिया में MT125 का। MT125 कंपीट करेगा KTM ड्यूक 125 से। सो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में।